हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडी एंड साहब यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग इग्नू एमए इंग्लिश MEG 10 का ब्लॉक 5th डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम 4 यूनिट डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स बिगिन यूनिट 5th टुडे। उसका नाम है द लाई ऑफ द लैंड इंग्लिश इन इंडिया। एक्चुअली ये एक एंथोलॉजी का नाम है, ठीक है, उसी के आधार पर यूनिट का नाम रख दिया गया है। दिस यूनिट डील्स विद राजेश्वरी सुंदर राजन्स एसे फिक्सिंग इंग्लिश नेशन लैंग्वेज सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि द लाई ऑफ द लैंड इंग्लिश इन इंडिया एक एंथोलॉजी का नाम है, कलेक्शन ऑफ एसेज है। उसी में से एक ऐसे है राजेश्वरी सुंदर राजन का, जिसका नाम है फिक्सिंग इंग्लिश नेशन लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो उसी ऐसे को आधार बनाया गया है इस यूनिट के डिस्कशन के लिए, ठीक है। कैसे वो बुक बनी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। द इमर्जेंस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्टडीज़ वॉज अ साइन ऑफ कल्चरल इम्पीरियलिज्म इन कॉलोनियल इंडिया। कह रहा है कि जो इंग्लिश लिटरेचर स्टडीज़ की शुरुआत हुई हमारे देश में, भारतवर्ष में, वो एक तरह से एक साइन थी कल्चरल इम्पीरियलिज्म का, यानी कैसे कल्चरली डोमिनेट करना चाहते थे ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर, उसका वो एक साइन थी। इन कॉलोनियल इंडिया, ये कब की बात है, जब हमारा देश परतंत्र था, कॉलोनाइज्ड था। दैट कंटिन्यूज टू डोमिनेट द इंडियन कल्चरल स्पेस इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन एक दुख देने वाली बात ये है कि वो कल्चरल इम्पीरियलिज्म आज भी डोमिनेट कर रहा है हमारे कल्चरल स्पेस को इंडिपेंडेंस के बाद भी। बड़ा अच्छा वर्ड मिला मुझे, आगे एक सेंटेंस है आई थिंक 6th चैप्टर में, वो सेंटेंस ये है कि 1947 में हम लोग इंडिपेंडेंट तो हो गए लेकिन डीकोलोनाइज्ड नहीं हो पाए। देखिए एक कैसे वर्ड्स, शब्दों के हेर फेर से कितनी बड़ी मीनिंग क्लियर हो जाती है एक सिंपल सेंटेंस में। वी कुड बी इंडिपेंडेंट बट वी वर नॉट डीकोलोनाइज्ड। और यही कारण है जिससे मुझे लगता है डीकोलोनाइजिंग इंडियन माइंड जैसा वर्क पब्लिश करने की आवश्यकता पड़ी। तो इंडिपेंडेंट होना और डीकोलोनाइज्ड होना, दोनों में बड़ा अंतर है। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो मैंने देखा है सोशल मीडिया पर, कि एक हाथी है या सपोज एक घोड़ा है, एक छोटे से बच्चे के हाथ में भी अगर उनकी रस्सी पकड़ा दी जाए जिसमें वो बंधे हुए हैं, तो वो चुपचाप खड़े होते हैं। अगर शक्ति की बात करें तो एक छोटा बच्चा कंट्रोल नहीं कर सकता एक हाथी को या एक घोड़े को, उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन वो घोड़ा या हाथी क्यों खड़ा है, क्योंकि उसे लगता है, उसका जो माइंड है वो कॉलोनाइज्ड है। उसे लगता है कि उसे हमेशा से कंट्रोल किया गया है, तो सामने जो खड़ा है हाथ में रस्सी पकड़ करके, ही और शी कैन कंट्रोल मी। तो मतलब ये हुआ कि वो गुलामी कर रहा है उस पकड़ने वाले के कारण नहीं, उस पकड़ने वाले की शक्ति के कारण नहीं, बल्कि अपने सरेंडर की वजह से। तो हमारे साथ भी वही स्थिति है, और यही कारण है कि देश आज़ाद हो गया उसके बावजूद तमाम चीज़ें हैं जो उन सबों ने इंजेक्ट कर दी थी हमारे भीतर, और वो आज तक मौजूद हैं, हम आज तक डीकोलोनाइज्ड नहीं हो पाए हैं।
एज इफ कुछ अंश बाकी रह गया है हमारे खून में। आगे बढ़ते हैं। इन अप्रैल 1988 अ सेमिनार वॉज हेल्ड एट मिरांडा हाउस दिल्ली। अप्रैल 1988 में एक सेमिनार हुआ। उस समय तमाम जब देश आज़ाद हुआ तो तमाम सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस हो रहे थे उस समय एजुकेशन लेवल पर। तो मिरांडा हाउस दिल्ली बड़ा फेमस प्लेस है। आई थिंक आज के समय में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्सा है। तो मिरांडा हाउस दिल्ली में एक सेमिनार हुआ 1988 में, जिसका टाइटल था द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया, हिस्ट्री, आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिस। तो ये था टाइटल उस सेमिनार का, द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया, हिस्ट्री, आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिस। सम ऑफ द पेपर्स प्रेजेंटेड एट द सेमिनार वर कंपाइल्ड इन बुक लेंथ स्टडीज। तो कुछ पेपर्स जो प्रेजेंट किए गए थे सेमिनार में, उसका कंपाइलेशन हुआ बुक फॉर्म में। होता है, आज भी होता है जब कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार्स होते हैं, तो उस जो अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग फील्ड डोमेन के लोग जब अलग अलग पेपर्स लेकर के आते हैं, तो उसको भी एक प्लेटफॉर्म से पब्लिश किया जाता है। तो ऐसा हुआ उस सेमिनार के बाद कुछ पेपर्स उसमें जो प्रेजेंट किए गए थे उनको बुक फॉर्म में पब्लिश किया गया। वन सच बुक वॉज द लाई ऑफ द लैंड, इंग्लिश लिटरेरी स्टडीज़ इन इंडिया। और उन्हीं में से एक बुक ये रही जो कि एक कंपाइलेशन है, जो कि एक एंथोलॉजी है, द लाई ऑफ द लैंड, इंग्लिश लिटरेरी स्टडीज़ इन इंडिया, एडिटेड बाई राजेश्वरी, क्या नाम है इनका, आर एस राजेश्वरी सुंदर राजन। तो राजेश्वरी सुंदर राजन ने ही वो बुक कंपाइल की थी, उसको एडिट किया था, ठीक है। तो उसी में से एक ऐसे उनका भी है जिसको हमें पढ़ना है, जिससे रिलेटेड चीज़ें इस पर्टिकुलर ऐसे में, पर्टिकुलर यूनिट में मिलेंगी आपको। द एसेज इन दिस वॉल्यूम एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेरी स्टडीज एज अ डिसिप्लिन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़। इसमें ज़्यादातर कौन सी बातें हैं, किन चीज़ों को एग्जामिन किया गया है, इंग्लिश लिटरेरी स्टडीज़ के कई तरह के जो पहलू हैं, कई एस्पेक्ट्स जो हैं, स्पेशली इंग्लिश स्टडीज़ एज अ डिसिप्लिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कैसे है, उसके क्या अलग अलग पहलू हैं, क्या अलग अलग एस्पेक्ट हैं, उन चीज़ों को एग्ज़ामिन किया गया है, उन चीज़ों को फोकस किया गया है इन अलग अलग एसेज में जो कि इस कंपाइलेशन में मौजूद हैं, ठीक है। थ्री एसेज फ्रॉम दिस वॉल्यूम आर पार्ट ऑफ इग्नू सिलेबस। इसमें से तीन एसे इस कंपाइलेशन में से, द लाई ऑफ द लैंड कंपाइलेशन में से तीन एसे प्रिस्क्राइब है सिलेबस में इग्नू के, जो कि अभी एक दो के बारे में थोड़ा बहुत हम पढ़ चुके हैं और एक तीसरा आज पढ़ने वाले हैं। तो जो तीसरा पढ़ने वाले मैंने डिस्कस किया ही, राजेश्वरी सुंदर राजन का, फिक्सिंग इंग्लिश नेशनल लैंग्वेज सब्जेक्ट। और दूसरा जो है वो गौरी विश्वनाथन का है, इंग्लिश इन लिटरेट सोसाइटी, इंग्लिश इन लिटरेट सोसाइटी। और तीसरा जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, वो गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक का वर्क है, द बर्डन ऑफ इंग्लिश स्टडीज़। ये सारे एसेज ही हैं, ठीक है। द इनकरेजमेंट एक्सटेंडेड टू इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया वॉज एम्ड एट क्रिएटिंग अ क्लास ऑफ पर्सन्स हु बाय देयर कॉन्टेक्ट विद ब्रिटिश लिबरल राइटिंग वुड एक्वायर अ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। देखिए, एक तो हम लोग ये बात कर चुके थे कि इंग्लिश स्टडीज़ क्यों लागू किए अंग्रेज हमारे देश में, क्योंकि उनको क्लर्क्स की ज़रूरत थी उस समय, उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो उनकी भाषा जानते हों और साथ में इंडियन लैंग्वेजेस भी जानते हों, इंडियन कल्चर भी जानते हों, सो दैट दे कुड बी गुड इंटरप्रेटर्स, दे कुड बी गुड मेडिएटर्स इन बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेटर एंड द कॉलोनाइज्ड वंस। उसके साथ ही कह रहा है यहाँ पर एक चीज़ और फोकस करनी है कि वो सब ऐसे क्लास ऑफ पर्सन्स, यानी ऐसे लोगों का एक समूह क्रिएट करना चाहते थे
जो कि ब्रिटिश लिबरल राइटिंग के साथ कांटेक्ट में आने के बाद एक पॉलिटिकल कॉन्शसनेस क्रिएट कर सकें, पा सकें, खुद वो पॉलिटिकली कॉन्शियस हो सकें। अब ये पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्या है, किस तरह की जागरूकता अंग्रेज लाना चाहते थे हमारे देशवासियों के भीतर, चाहे वो कुछ मुट्ठी भर लोग ही क्यों ना हों, क्या चाहते थे वो, किस तरह का पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस चाहते थे, इसके पीछे उनका क्या रीज़न था, आई मीन व्हाट वाज देयर मोटिव, क्या वो देश का भला करना चाहते थे या इसके पीछे उनका कुछ अपना पॉलिटिकल मोटिव था, इस चीज़ को डीकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। देखिए बहुत ही कहीं ना कहीं अभी जो आप जानेंगे थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगेगा, हो सकता है कि आपको उसे पचाने में थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन ये भी एक फैक्ट है। This would lead them, it was believed, ऐसा माना गया, अंग्रेज ऐसा मानते थे कि अगर political consciousness आ जाएगा लोगों में तो to demand social and political reforms, तब लोग सामाजिक और राजनैतिक सुधार के बारे में बात करेंगे। Demand for reforms would thus effectively nullify the ferment of a revolution, और सामाजिक सुधार की जो मंशा है रहेगी लोगों के बीच, कुछ ही लोगों के बीच समाज में, या पॉलिटिकली जो सुधार वो चाहेंगे उससे ही एक बात हो जाएगी कि जो रिवॉल्यूशन पनप रहा था लोगों में, जो क्रांति पनप रही थी, वो नहीं पनपेगी। क्यों नहीं पनपेगी? क्योंकि जैसे कुछ लोग क्रांति की बात करेंगे सोसाइटी में, कुछ भारतीय क्रांति की बात करेंगे, और तब तक कुछ भारतीय विद्वान जो इंग्लिश पढ़ लिख गए हैं, थोड़ा सा लिबरल इंग्लिश राइटर्स राइटिंग के संपर्क में आ चुके हैं, थोड़ी पॉलिटिकली कॉन्शियस हो चुके हैं, तो उनको समझ में आएगा अरे उनके अपने देश में कितनी कमियाँ हैं, कितनी बुराइयाँ हैं, कितने तमाम तरह के जो है कुरीतियाँ हैं, उनको दूर करना चाहिए। तो ऐसा क्या होगा, उनका ध्यान क्रांति से हटेगा और उनका ध्यान सामाजिक सुधार पर जाएगा। वो अपने लोगों को मोटिवेट करेंगे उनको सुधारने और इन चीज़ों को बदलवाने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्वियस है कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि कुछ बुराइयां, कुछ कुरीतियां जो समाज में व्याप्त हैं उसको हटाने की लोग कोशिश करें, लेकिन इसका जो नेगेटिव पक्ष है वो ये है कि इसी बहाने अंग्रेज़ों को किसी क्रांति के दमन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अंग्रेज़ों को चैलेंज करने वाला कोई नहीं रहेगा, क्योंकि लोग अपने देशवासियों की कमियां निकालने में, समाज की कमियां निकालने में, उसको दूर करने में ही व्यस्त रहेंगे। और ऑब्वियस है कि जब ऐसा होगा तो जो कुछ चीज़ें कई वर्षों से, कई सौ सालों से चली आ रही हैं, उनके खिलाफ़ अगर कोई बोलेगा तो ऑब्वियस है कि समाज ही अपने में बंट जाएगा, क्योंकि कोई भी परिवर्तन हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तुरंत। कोई भी चेंज हो उसको एक्सेप्ट करने में बहुत समय लग जाता है। तो ये एक सोची समझी चाल, सोची समझी साजिश थी उनकी। मतलब अगर वो आपको अवेयर कराना भी चाहते हैं, पॉलिटिकली कॉन्शियसनेस कराना भी चाहते हैं, तो इसके पीछे मकसद ये नहीं है कि वो हमारा आपका भला चाहते थे, कि हम अच्छे हो जाएं, हमारी बुराइयां दूर हो जाएं। उनका ये था कि इसी बहाने आप जो हैं क्या करेंगे, उनको परेशान करना छोड़ देंगे। जैसे होता है ना कभी कभी, जैसे माँ को कोई काम करना होता है और बच्चा परेशान करे तो माँ क्या करती है, कोई भी खिलौना लाकर के बच्चे को पकड़ा देती है, कहती है ले खेल इसी से। आजकल की माएँ तो मोबाइल में गाना बजा करके छोड़ देती हैं, बच्चा उसी में मगन है। तो क्या है ये पॉलिटिकल मोटिव है उसके पीछे, कि तुम एंगेज रहो किसी और चीज़ में तब तक हम अपना दूसरा काम कर लें, है ना। तो ये चीज़ है, इस पॉलिटिक्स को भी समझने की ज़रूरत है। जैसा कि राजेश्वरी सुंदर राजन कह रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इफ द एम्पायर हैड टू कंटिन्यू अनचैलेंज्ड, जो शासन है, प्रशासन है, उसको अगर ये चाहिए था कि उसको चैलेंज करने वाला कोई न रहे, रिवॉल्यूशन हैड टू बी केप्ट एट बे, तो इसके लिए ये था कि कोई क्रांति ना हो, कोई आंदोलन ना हो, वो दूर, आंदोलन से दूर रखे देश को,
द क्राउन वॉज नॉट प्रिपेयर टू फेस अनदर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. क्राउन यानी क्वीन विक्टोरिया हु वॉज रूलिंग इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड. उनको ये लग रहा था कि अब फिर से कोई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेस करने के कंडीशन में वो नहीं है. इसका मतलब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था ना 1857 में, तो फिर से इंग्लैंड का क्राउन, ब्रिटेन का क्राउन जो है वो इस कंडीशन में नहीं था कि फिर से लोग रिवॉल्यूशन करें, फिर से लोग क्रांति करें, फिर से लोग वॉर करें इंडिपेंडेंस के लिए और उसको ये लोग सप्रेस करें. क्यों? दैट शुक अप कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इन 1857. ख़ास करके ऐसा आंदोलन जो कि 1857 में हुआ हमारे देश में, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, जिसने अंग्रेजी सरकार की चूलें हिला दी थी, है ना, मतलब उसको उसके जड़ को हिला करके रख दिया था. तो ऐसा कोई रिवॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, इस बात की तस्दीक करना चाहते थे लोग, इस बात की गारंटी लेना चाहते थे लोग, और इसलिए इस तरह का पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस क्रिएट करने की कोशिश की गई. और उसका असर हुआ भी, उसका असर हुआ तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हुई हमारे समाज में. क्या? मैनी एजुकेटेड इंडियंस डिड रेज इश्यू पर्टेनिंग टू सोशल रिफॉर्म. और फिर कई पढ़े लिखे जो इंडियंस थे उन्होंने ऐसे मुद्दों को उठाया, सामाजिक सुधार के मुद्दों को उठाया. बी इट द एबोलिशन ऑफ सती, चाहे उसमें सती प्रथा के खात्मा की बात हो, एजुकेशन फॉर वुमेन औरतों की शिक्षा की बात हो, और लेटर द डिमांड फॉर रिप्रेजेंटेशन इन गलती से लिटरेचर लिख दिया है मैंने, लेजिस्लेचर होना चाहिए यहाँ पर, रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर. यानी कह रहा है कि औरतों की शिक्षा की बात हो, सती प्रथा के उन्मूलन की बात हो, या लेजिस्लेचर में यानी कानून में प्रेजेंटेशन, अपना एक पोर्शन, अपनी एक हिस्सेदारी की बात हो, ये सब मुद्दे उठाए गए. और ऑब्वियस है जब समय समय पर ऐसे ऐसे मुद्दे उठते रहेंगे तो मेन चीज़ों से जो है इंसान भटका रहेगा. ऐसा नहीं कि ये मुद्दे ज़रूरी नहीं थे समाज के लिए, ज़रूरी थे, लेकिन इसमें इन मुद्दों के चक्कर में जो मेन मुद्दा है वो हट जाता था. जैसे हमारे यहाँ जब राजनीति की जो स्थिति है, आप देखते हैं कि जो मेन मुद्दे होने चाहिए, अभी तो खैर ऐसा समय चल रहा है कि सारे मुद्दे एक तरफ हट चुके हैं और पूरा विश्व इस संकट से जूझ रहा है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा होता है बेरोजगारी का, मेन मुद्दा होता है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उस पर लोग बात न करें, इसके लिए तमाम छोटे बड़े मुद्दे जो है उठा करके मीडिया में चला दिए जाते हैं और लोग उसी में एंगेज रहते हैं. हाँ, लोग कॉक फाइटिंग में एंगेज रहते हैं, एक दूसरे को नोचने चोथने में व्यस्त रहते हैं और मेन मुद्दे की बात कोई नहीं करता. ऐसे में अगर मेन मुद्दे की बात कोई करता है तो उसको जो है सोशल मीडिया पर भर भर के गालियाँ दी जाती हैं. तो ये स्थिति है. तो ये है, ये एक पॉलिटिकल अवेयरनेस होने की ज़रूरत है. हमारे आसपास क्या चीज़ें होती हैं, क्यों होती हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, इस सबको समझने की एक ज़रूरत है. ठीक है. अच्छा, एबोलिशन ऑफ सती, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें एक बड़ा योगदान रहा राजा राम मोहन राय का, जो कई भाषाओं के जानकार थे, जो कि अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर भी थे. उन्होंने बचपन में झेला था, उनकी आंखों के सामने उनकी भाभी को जला दिया गया था जिंदा. तभी उस बच्चे ने प्रण कर लिया था कि इस प्रथा को ख़त्म करके ही रहेंगे. और बाद में विलियम बेंटिंक की सहायता से उसने उन्मूलन कर ही दिया और सती प्रथा के विरुद्ध कानून आ ही गया. स्त्री शिक्षा की भी बात की गई और लेजिस्लेचर में प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन की भी बात की गई. समय के साथ चीज़ों में बदलाव हुआ. और अगर बात करें उस समय और भी कुछ कुरीतियाँ थी, जैसे बाल विवाह थे जिसका खात्मा होना ज़रूरी था,
विधवा विवाह की ज़रूरत महसूस हुई तो इन सब पर काम किया ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। तो ऑब्वियस है, और इसीलिए इस समय को रेनेसांस पीरियड कहा जाता है हमारे देश में, इसको पुनर्जागरण काल कहा जाता है। द नोशन ऑफ एन इंग्लिश लिटरेचर वॉज फॉर्मुलेटेड एंड सिस्टमेटाइज इन इंग्लैंड इन 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरीज। कह रहा है इंग्लिश लिटरेचर का जो नोशन है, यानी एक सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश लिटरेचर को स्थापित करना, इसकी शुरुआत बहुत पहले नहीं हुई है। इवन इंग्लैंड में कह रहा है इसकी शुरुआत 18th सेंचुरी का लास्ट और 19th सेंचुरी की शुरुआत है ना, यानी 1770-80 के बाद से ही हुई थी इंग्लिश लिटरेचर को एक सब्जेक्ट के रूप में शुरू करने की बात, एक सिस्टमेटाइज्ड वे में। रीसेंट रिसर्च हैज शोन दैट द टू प्रोजेक्ट्स फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एज अ डिसिप्लिन एंड एम्पायर बिल्डिंग केम इनटू बीइंग अराउंड द सेम टाइम। कह रहा है कि हालिया के जो रिसर्च जो शोध हुए हैं उनसे ये बात क्लियर हुई है कि दो प्रोजेक्ट एक साथ शुरू किए गए, एक तो इंग्लिश लिटरेचर को डिसिप्लिन एज स्टडी डोमेन शुरुआत उसकी करना, ये एक प्रोजेक्ट, और दूसरा प्रोजेक्ट एम्पायर बिल्डिंग का, यानी कैसे राज्य का प्रचार प्रसार हो। ये दो चीज़ें जो एक इम्पीरियलिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट था ब्रिटिशर्स के पास, वो चीज़ इन दोनों की शुरुआत कर रहा है कि सेम समय में ही हुई। इसका मतलब ये रहा कि ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड थी, जुड़े हुए थी। यानी इंग्लिश लिटरेचर को एज डोमेन ऑफ स्टडी डिक्लेयर करने के पीछे भी राजनीति थी, पॉलिटिकल मोटिव था। इंग्लिश एज अ लिटरेरी लैंग्वेज हैड बीन डेवलप्ड वेरी कॉन्शियसली। कह रहा है कि एक लिटरेरी लैंग्वेज के रूप में, साहित्य की लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को डेवलप करना भी एक कॉन्शियस एफर्ट था, एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में इसको डेवलप करना, एक राष्ट्रभाषा के रूप में डेवलप करना। क्यों? टू काउंटर द हेजिमनी ऑफ लैटिन इन इंग्लैंड, जिससे कि इंग्लैंड जैसे देश में जहाँ लैटिन की हेजिमनी हुआ करती थी, लैटिन भाषा की हेजिमनी हुआ करती थी, उसको ख़त्म करने के लिए इंग्लिश जो कि एक उस समय डायलेक्ट हुआ करती थी, बोली हुआ करती थी, उसको नेशनल लैंग्वेज बनाने की कोशिश की गई और उसमें तमाम साहित्य लिखे गए, उसमें लिटरेचर लिखे गए। ऑब्वियस है किसी भी डायलेक्ट को लैंग्वेज बनाने के लिए उसमें उसका लिटरेचर लिखना ज़रूरी हो जाता है, उसका ग्रामर सेट करना ज़रूरी हो जाता है, उसकी डिक्शनरी बुक लिखनी ज़रूरी हो जाती है। तो लैटिन के डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि लैटिन विद्वानों की भाषा मानी जाती थी, तो उससे क्या होता था, कुछ लोग जो लैटिन के जानकार हो जाते थे वो अपने आप को समाज में बहुत ज़्यादा प्रिविलेज समझते थे और वो डोमिनेट करने की कोशिश किया करते थे। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत को लेकर की बातें कही जाती हैं, और यही कारण है कि संस्कृत आज के डेट में विद्वानों की भाषा बन करके केवल रह गई है, और उसी का कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि एक विरोध वाला स्वर ही उठा था उसके क्लिष्टता के कारण, और ये कारण है कि फिर एक समय के साथ बदलाव हुआ और वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत के बाद पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आया, अवहट्ट आई, उसके बाद हिंदी। तो आज हम हिंदी के दौर में हैं, हम हिंदी बोलते हैं। तो एक पर्टिकुलर भाषा का विकास ऑब्वियस है कि उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव होता है, जैसा कि जब आप गौतम बुद्ध या जैन महावीर के उपदेशों की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि इन लोगों ने आम जनों की भाषा में उपदेश दिए, इसलिए ये, यानी ये लोग प्राकृत और पाली में बोला करते थे, इसलिए ये लोग आम जन से जुड़ पाए और वो उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। मिल्टन फॉर इंस्टेंस made a conscious choice to write his epic Paradise Lost in English। कह रहा है कि अगर एक उदाहरण के तौर पर देखें तो
तो जॉन मिल्टन ने इंग्लिश में ही लिखा था अपना एपिक पैराडाइज लॉस्ट। ये बात अलग है कि उस पर कई सारे आपको लैटिन के फ्रेज ज़रूर मिलेंगे जो कि उस स्टडी को काफ़ी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इवन अगर फ्रांसिस बेकन की ही बात कर लें जिन्होंने इंग्लिश में एशेज लिखे, तो उनके इंग्लिश के एशेज में आपको तमाम लैटिन फ्रेजेज मिल जाएंगे जिनको ढूंढने में ही आपको सवेरा हो जाएगा और उसका मतलब आप नहीं समझ पाएंगे जब तक ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट जो कि फेमस एपिक है वो लिखा, इंग्लिश में लिखा, इसके पीछे भी मोटिव था उनका। कह रहा है ही हैड अ स्पेसिफिक एजेंडा, उनके पास अपना एक स्पेसिफिक एजेंडा था टू परस्यू बाय राइटिंग इन इंग्लिश। एक पर्टिकुलर एजेंडा को परस्यू करने करना अपनी राइटिंग में इंग्लिश के लिए, ये उनके लिए ज़रूरी था। क्या था? ही रिमार्क्ड दैट ही विश्ड टू इनरिच द इंग्लिश लैंग्वेज। उन्होंने टिप्पणी की थी कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को इनरिच करना चाहते थे। इस पॉलिटिकल एजेंडा के साथ उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ किया। लेकिन एक बात समझिए, इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज बनाने की जो कोशिश चली इंग्लैंड से, अगर हम बात ब्रिटेन की करें, अगर हम बात यूनाइटेड किंगडम की करें जो कि अपने में एक से अधिक देशों को समेटे हुए हैं, है ना, जैसे यूनाइटेड किंगडम की जब हम बात करते हैं तो उसमें इंग्लैंड के अलावा नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स सब आते हैं, है ना। तो इंग्लिश एज अ नेशनल लैंग्वेज नोशन वॉज ऑलवेज रजिस्टर्ड बाई कल्चर्स विद इन द इंग्लिश होम टर्फ। कह रहा है इंग्लिश को जो नेशनल लैंग्वेज बनाने की जो कोशिश चल रही थी, जो एक पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा था, ऐसा नहीं कि उसको हर जगह स्वीकार किया गया, उसका हर जगह स्वागत किया गया। ये थोपी गई चीज़ थी उन लोगों पर जो कि यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा थे लेकिन जिनकी भाषा इंग्लिश नहीं थी। वो कौन लोग थे? वो लोग वेल्स के थे, स्कॉटलैंड के थे, आयरलैंड के थे। आयरलैंड में तो बाकायदे समय समय पर विद्रोह हुए थे जिसको बड़ी क्रूरता के साथ दबाया गया था। सेल्टिक रिवाइवल बड़ा फेमस है डब्ल्यू वी येट्स के समय, है ना, सेल्टिक या केल्टिक दोनों प्रोनाउंस किया जाता है उसको। जे एम सिंज थे, मैडम लेडी ग्रेगरी थी और डब्ल्यू वी येट्स थे और कई सारे लोग थे। तो आयरलैंड में आयरिश भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, स्कॉटलैंड में स्कॉटिश भाषा को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। इवन स्कॉटलैंड का फेमस पोएट रॉबर्ट बर्न, वो अपने स्कॉटिश राइटिंग के लिए भी जाना जाता है। लेकिन ऑब्वियस है इंग्लिश के डोमिनेंस को समझने समझाने के लिए रॉबर्ट बर्न को हम और आप किस में पढ़ते हैं? स्कॉटिश लैंग्वेज में नहीं पढ़ते, हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, है ना। तो ये यहाँ के लोग, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के लोग जो है उन्होंने इसको नहीं स्वीकारा। वो हमेशा विरोध करते रहे कि इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया जा सकता। ठीक उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की कोशिश चलती है और तमाम राज्य उसका विरोध करते हैं क्योंकि ये उनकी भाषा नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आज के डिस्कशन का मेन मुद्दा यही रहा कि पॉलिटिकल कॉन्शसनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, हमको साइकोलॉजी समझना होगा, हमको पॉलिटिक्स समझनी होगी। और अगर कोई ये कहे कि नहीं मुझे पॉलिटिक्स में रुचि नहीं है, पॉलिटिक्स मेरे स्टडी का हिस्सा नहीं है, मेरे ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, तो ये गलत है। आप एक पढ़ा लिखा इंसान अपने आप को पॉलिटिक्स से दूर नहीं रख सकता। अगर वो एक सोसाइटी में रह रहा है तो उसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट दिखाना होगा, अगर नहीं है तो इंटरेस्ट लेना होगा सो दैट वो चीज़ों को समझ सके कि उसके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।